कभी कभी कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी मूवी को देखना या फिर किसी सीरीज को देखना, ना चाहते हुए भी इनको देखना पड़ता है या फिर कहूं इनको झेलना पड़ता है। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल मी बे वेब सीरीज के बारे में। अमेज़न के इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, इसके अंदर 8 एपिसोड है, इस कचरे के अंदर 8 एपिसोड है। उनका मतलब कमाल है, लोगों के पास इतना वेला टाइम है, लोगों के पास इतना ज्यादा रुपया है कि वो एकदम आग लगाने को तैयार बैठे। बात करते हैं इस सीरीज की महान कहानी के बारे में, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे क्योंकि कुछ चीजों की मुझे बारे में बात करनी है, क्योंकि जो वाहियात कहानी इसके अंदर देखने को मिली है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक नेपो किड अनन्या पांडे के द्वारा एक किरदार निभाया गया है जिसका नाम होता है बेला चौधरी, जिसको अपने आप को बे कहलवाना पसंद है, शॉर्ट फॉर्म बे। हम कहते हैं ना अबे ओ सुन, उसमें से अबे ओ में से अबे में से मतलब ए हटा दो, बे ओ सुन वो वाला बे, मतलब मेरा दिमाग भी खराब हो गया इस सीरीज को देखने के बाद। तो बे एक काफी ज्यादा अमीर परिवार में पैदा हुई होती है और इसकी शादी भी उससे भी ज्यादा अमीर परिवार में होती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीजें अच्छी नहीं चलती हैं जिसके कारण ये अलग हो जाते हैं। अब बे को अपने परिवार का भी साथ नहीं मिलता, अपने हस्बैंड का भी साथ नहीं मिलता, तो ये अकेली जो है वो मुंबई में जाकर जॉब करने लग जाती है और वहां पर उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, लेकिन एक मिनट, इस सीरीज को देखना है या नहीं देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो कंप्लीट कर लेना, फिर ये डिसाइड करना कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो अब ये हो गई इस वीडियो की कहानी की चर्चा, अब बात कर लेते हैं कि इसमें अच्छा क्या है कि हमें ये सीरीज देखनी चाहिए। अच्छा अच्छा तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। जो इसके अंदर कमियां हैं या फिर कहूं ये पूरी की पूरी सीरीज ही घटी है, उसकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी कहानी है, देखो यार इसमें कहानी दूर दूर तक नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ नशेड़ी लोग या फिर जिनकी मंद बुद्धि है वो नशा करने बैठे होंगे, नशा फूंकने बैठे होंगे, क्योंकि बॉलीवुड है उसमें नशा तो कंपलसरी है। ये जो नशेड़ी लोग हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए जिसके अंदर कोई भी सर पैर कोई भी कहानी ना हो, तो उन्होंने बनाई कॉल मी बे सीरीज जिसके अंदर कोई कहानी हमें देखने को नहीं मिलती है। कॉल मी बे के अंदर एक हैशटैग मीटू करके एक मूवमेंट चला था जिसके अंदर महिलाओं ने आरोप लगाया था कि कैसे उनका यौन उत्पीड़न किया गया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो हालांकि हम केरला के अंदर भी वो चीजें देख रहे हैं कि केरला इंडस्ट्री के अंदर वो सब चीजें कैसे चल रही हैं। तो एक ऐसा ही इसके अंदर दिखाया गया कि एक एक्ट्रेस का कैसे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरास किया गया उसको एक पॉलिटिशियन के द्वारा इसमें दिखाया गया, मतलब रियल घटना नहीं है, उसी काल्पनिक तौर पे चीजों को दिखाया गया हैशटैग मीटू को लेके। तो ये जो एक्ट्रेस इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है वो एक वीडियो जो है वो भेजती है बे को ये बताने के लिए कि देखो उसके साथ कैसे यौन उत्पीड़न हुआ है, उसको आवाज यानी बे को आवाज उठानी चाहिए उसके बिहाव पे कि इस पॉलिटिशियन का चेहरा सबके सामने या उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आए। तो लेकिन ये जो वीडियो भेजती है उसके अंदर उसका चेहरा जो है ब्लर होता है, पता नहीं चलता कि ये एक्ट्रेस कौन है। तो बे और उसकी जो दो फ्रेंड है वो ढूंढने लग जाती है कि हाँ भाई बे ये जो बे क्या ये बे बे आ रहा दिमाग में, तो ये जो एक्ट्रेस है वो कौन है, किसकी किसने अपनी आप बीती सुनाई है। और जब ये मिलती है, जब इनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एक्ट्रेस थी इसने भेजी थी वो वीडियो, तो फिर वो जब बेला उसे मिलती है बेला क्या बे बे जब उससे मिलती है तो वो एक्ट्रेस उसको बताने लग जाती है कि हाँ उसके ऊपर क्या क्या चीजें उसने सही है, कैसे उस पॉलिटिशियन ने उसके ऊपर अत्याचार किया है, सेक्सुअल हैरास किया है। अरे जब ये बातें जब बतानी ही थी तुम्हें, मतलब ये क्या मतलब वो आपको वो सीआईडी खेलना था क्या, लास्ट में बस जाके मिल लिया, मिलते ही उस लेडी ने या फिर उस एक्ट्रेस ने बे को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ। ये सब चीजें साफ साफ तौर पे वो मिलके भी तो बता सकते थे ना, ये सब चीजें वीडियो भेजना ब्लर करके चेहरा भेजना बिना वजह का हमारा टाइम खराब किया, हमारे सर में दर्द किया, वो 8 एपिसोड की सीरीज बन गई यार, एक एपिसोड या फिर कहूं कि आधे एपिसोड में सीरीज खत्म हो जाती, कोई लॉजिक नहीं बनता है इन सब चीजों को दिखाने का। वैसे लॉजिक और बॉलीवुड का वैसे भी 36 का आंकड़ा ही है। अब बे जो है वो इसमें एक तरीके से जर्नलिज्म का उसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो जर्नलिस्ट बन गई है, उसको मुंबई में जाते ही जॉब मिल गई है। हाँ नेपो किड जो है वैसे भी मूवी जो है वो बिना मेहनत के मिल जाती है, तो ये तो जॉब ही थी। और फिर इस सीरीज के अंदर जो डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं यार वो कानों से खून आ जाते हैं, और बॉलीवुड का वही गंदी सोच हमें देखने को मिलती है कि एक लेडी शादीशुदा किसी मर्द के साथ गैर मर्द के साथ अगर संबंध बनाती है कि एक के साथ क्या कईयों के साथ बनाती है तो कोई बात नहीं भाई साहब नॉर्मल है, चीजों को हजम कर लो, मॉडर्न इंडिया हो गया है, मॉडर्न के अंदर ये सब चीजें चल जाती हैं, जैसा जिसके दिमाग में सोच होगी वही वो कचरा हमें दिखाएगा, वो सब चीजें इसके अंदर भी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो एकदम कचरा सीरीज है, कोई कहानी नहीं है, कोई ढंग के डायलॉग नहीं है, जितने भी कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा अजीब है। अनन्या पांडे जो वो सर में दर्द कर देती है उसको देखकर एक तरीके से चिढ़ हो जाती है, मतलब घृणा होती
होती है उसको देखकर इरिटेट होने लग जाते हैं, उसको बार बार उसके वो एक्शन को सुनकर या फिर वो डायलॉग जो उसके द्वारा बोले जाते हैं या फिर उसकी वो परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा उसके मतलब मुझे नफरत सी होगी यार इस सीरीज को देखने के बाद। मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 0/10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो बहुत बढ़िया बात है, आप इस कचरे से बचे हुए, आपके सर में दर्द होने से अभी तक बचा हो, और इससे दूर ही रहो, इससे कोई भी आप कुछ चीजें सीखोगे नहीं, इवन अपना दिमाग ही खराब करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।